ये देखो सेंटा जी स्केटिंग कर रहे हैं। ओ भाई साहब बहुत सारे आ गए। तानिया अभी तक अंदर नहीं आई है। कंकाल यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। अरे हाथ आगे रखना। हाँ बच्चा उसके पीछे घूमे जा रहा है। भाई साहब कल जो हमने सीक्वेंस खेला है ना, मतलब कितना 1:30 या 2 बज गए थे हमें सीक्वेंस खेलते खेलते। हमने 5-6 गेम निपटा दी थी और फिर जाके सोए हैं। और अब आज उठने में भी ना काफ़ी हमें लेट हो गया है। इतना लेट मान लो कि हम ना ब्रेकफास्ट करना ही भूल गए। मतलब ब्रेकफास्ट का जो टाइम होता है ना होटल का, वो एकदम खत्म होने वाला था। तभी तान्या नीचे पहुँच के थोड़ा बहुत जितना भी बचा हुआ था ब्रेकफास्ट वो सामान लेके आ गई। उसने सारा ही उठा दिया था सब कुछ। वो तो मैंने उसको बोला मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, तो उसने निकाल निकाल के दिया है। So, what's up guys? Welcome back to our another vlog. हम आए हुए थे लेवनवर्थ ऑक्टोबर फेस्ट सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि जर्मनी का मोस्ट फेमस फेस्टिवल होता है, जिसका व्लॉग आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी, जाके देख लेना। फिलहाल आज बस हम निकल रहे हैं घर की तरफ। एंड ऑब्वियसली घर डायरेक्टली तो जाएंगे नहीं, एक दो व्यू पॉइंट्स है वो देख के जाएंगे। तो बस अभी तैयारी हो चल रही है, तो मैं तो तैयार हो चुका हूँ। तान्या बस और रेडी हो रही है, 5-10 मिनट इसको और लगेंगे, है ना। मैं रेडी हूँ, बस पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग करनी है तो बस पैक करते हैं सामान, क्योंकि 11 बजे का चेकआउट है और कितना 10:50 हो गया ना, 10:55 हो गया। हाँ 10:57 ऑलरेडी हो चुका है, तो हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, तो जल्दी से निकलते हैं। तो गुरु नींद पूरी हो गई, तुम काफी जल्दी उठ गए थे, हमसे पहले उठ गए थे। वैक्यूम की आवाज आ रही थी, नींद ही खुल गई। मैं कहा उठ ही जाओ, आप क्या ही करेंगे। तो सबका सेम ही प्रॉब्लम है, सबको किसी को भी नींद अच्छे से आई नहीं है। चलो जी चेकआउट भी हो गया कम्प्लीट। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, घुटन हो रही थी सही में। और जी पहुंच चुके हैं हम अब रेनडियर फार्म पे, जहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारे रेनडियर, तो जिनको आप इंडिया में 12 सिंघा के नाम से भी जानते हो। और यहां पे होगा हमारा उनके साथ एकदम क्लोज एनकाउंटर। फिलहाल हम लेट हो चुके हैं, 11:30 की अपॉइंटमेंट थी और 11:40 पे हम यहाँ पहुंचे हैं। पता नहीं क्यों आज हम पूरा लेट लेट चल रहे हैं, तो जाके मतलब ऐसे सुस्ती सी चढ़ रही है। हाँ तो पहले जाके देखते हैं कि उन्होंने ग्रुप स्टार्ट ना कर दिया हो। वैसे तो वो स्टार्ट करते नहीं है, थोड़ा तो वेट करते ही है, बट लेट्स सी। अभी तो चल रहा है, लोग टिकट्स दे रहे हैं श्योर। थैंक यू। टूर जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से भागना पड़ेगा। हम ना पहले ये देख चुके हैं, तो हमें ना उतनी एक्साइटमेंट भी नहीं है कि हाँ पहली बार देख रहे हैं। ये भी हो सकता है। yes. तो जी अंदर घुसने से पहले अपने आपको अपने पहले हाथ पैर वगैरह सब सैनिटाइज करने पड़ते हैं। अच्छा, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न्स के लिए। तो इस टूर में सबसे पहले ये आपको रेनडियर्स के बारे में बताते हैं, कैसे उनको यहाँ पे लाया गया उसके बारे में बताते हैं। तो बस यही सब इन्फॉर्मेशन सुनने अभी हम जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल अभी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे क्लास में लेट नहीं घुसते और फिर सारे बच्चे आपकी तरफ देखते हैं और मैडम देखती है, तो बिल्कुल वैसे वाली फीलिंग आ रही है अभी। काफी है भी है। फाइनली मिलने जा रहे हैं हम रेनडियर से। वो कैसे करते हैं, कौन सा है वो ट्रैवल ऑन द लेट्स गो। Perfect. Sure. Thank you. Thank you. Have a great time. Let me get you another one. Yeah. Have a lot. और जी उठा लिया हमने रेनडियर का खाना। भाई सब डर लग रहा है काफी, एक हाथ से कैमरा, ओ भाई ये बड़ी तेज आ रहा है। ओह भाई ले खा ले बेटा, खा ले तेरे लिए लाया हूँ, तेरे लिए लाया हूँ, खा तू खा। तान्या वही रह गई। ओ भाई साहब बहुत सारे आ गए,
तानिया अभी तक अंदर नहीं आई है। छीन ही लिया मेरे से अबे तूने। अरे मैं पता है गेट से एंट्री कर रही थी हाँ। तो वहीं पे आने लग गए तो उसको बोला कि आपको डर लग रहा है। मैंने कहा अंदर तो मेरे को जाने दो भैया, मैं अंदर कैसे करूं। ये पकड़ चल मेरी, ये पकड़ अब ये खिलाते हैं। हां तूने गिरा दिया, चल वो खिला। घी कैसे खिलाना है? घी कैसे खिलाना? हाथ से ऐसे ऐसे हाथ ऐसे 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 आगे हाथ रख, आगे हाथ कर, आगे हाथ कर, हाँ ऐसे खिलाना है। अरे हाथ आगे रखना, हाँ गिरा दिया तूने। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इनके सींग पता चले, सींग ही मार दिए। हाँ तो उन्होंने चेतावनी दी है कि उनके सींग अपने आप को मत टच होने दो, नहीं तो पंगा हो सकता है। तो हम छोटे वाले को खिला देंगे। भाई साहब इसके सींग देखो यार कितने बड़े हैं। ओ भाई पर मैं खड़ी हुई थी आराम से, ठीक है ज्यादा भाग नहीं रही। नहीं है बेटा नहीं है, सब खत्म हो गया, सब खा गए। तानिया किस तरह से हो रखी है अभी? तू पकड़ के बैठा है इसके लिए, इसको स्मेल आ रहा है। ए भाई तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो ये मुर्गियाँ नहीं है, टर्की है ये। फिर वो पता नहीं क्या है, ब्लैक वाला एंड देन छोटी टर्की। अच्छा वो छोटी टर्की है और वो पीछे तो अपना देसी मुर्गा है। उसके पीछे देखे कि रेनडियर भी बैठा हुआ है जिसके साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, वो मस्त पैट करने दे रहा है वे, मतलब ऐसा इसीलिए रखा है। अच्छा दिखता था तुम मसल में चलनी है इसलिए बैठा। हां वो आराम से बैठा हुआ है इसीलिए उसको फोटो खिंचवाने के लिए। बेचारा सोच रहा होगा क्या से क्या बना दिया। चलो ये फोटो भी खिंचवा लिया हमने तो यहाँ पे है। कैसा रहा एकदम? हाँ ना, बट वो बेचारा शांति से बैठा हुआ है ना, कुछ कर नहीं रहा। बच्चा उसके पीछे घूमे जा रहा है। घूमते घूमते पहुंच गए हम उसी स्ट्रीट पर जहां पर हमने कल अक्टूबर फेस्ट सेलिब्रेट किया था। और यहां पे क्या है ना, अलग अलग आपको शॉप्स दिखेंगे जहां पे आपको अलग अलग टाइप के सुवेनियर्स मिलते हैं। हाँ तो हम एक ऐसी शॉप पे घुस रहे हैं जहाँ पर अभी फिलहाल आप देखोगे कि पूरा क्रिसमस की डेकोरेशन वगैरह सारा सामान मिल रहा है और इतना सुंदर सुंदर है। चलो आपको दिखाते हैं। मनीष कह रहा है एंड में चलो वहाँ पे, मस्त मस्त है चीजें। अच्छा भाई सब क्या क्या चीजें रख रखी है, क्या मस्त यार। लोग क्रिसमस पे कितना डेकोर करते हैं भाई। या तो जैसे हमारे लिए दिवाली है ऐसे इनके लिए क्रिसमस है। एंड ऊपर से यार मतलब कितनी सुंदर है शॉप, इतने अच्छे सजा रखे हैं आप, घर तो क्या ही सजाओगे। ये देखो ओ भाई सेंटा क्लॉज की स्ले राइड, ये वाला सेंटा भी है। ओ ये देखो यार क्या क्या घर है, ये देखो यार छोटे छोटे से घर है ये सारे। तो ये पूरा इन्होंने टाउन बसा रखा है, अलग अलग शहर बना रखे हैं। तो ये है हैरी पॉटर का शहर, इसमें पूरा डेकोर देख रहे हो, ये उसी स्टाइल में है, हैरी पॉटर स्टाइल में है ये। और ये मिकी माउस का होगा, मिकी माउस वाला है। तो इसमें सारे मिकी माउस वाला पूरा बना पूरा सेट बना रखा है। हाँ छोटे छोटे घर बना रखे थे, जैसे तुम ये ले सकते हो पूरा। एंड आई गेस ये जो है ये आपको $145 का पड़ेगा, अलग ही महंगा है। अलग ही दुनिया बसा रखी है ना शॉप के अंदर, मतलब ऐसा लगा नहीं था कि शॉप के अंदर इतना कुछ होगा। हम और सोचो ये सब बच्चों के लिए होता है इतना फैसिनेटिंग, बट ये हमारे लिए भी बहुत फैसिनेटिंग है। ये देखो सेंटा जी स्केटिंग कर रहे हैं। ये अगर आप लोगे तो कितने का है? $161 का पड़ेगा भाई साहब। रेट भी दिखाओ। हाँ रेट $161। अरे एक और मस्त चीज दिखाती हूँ, हैलोवीन का भी बना हुआ है। ये तो पूरा क्रिसमस का था, अब हैलोवीन का देखो।
वो देखो वो वाला। अच्छा कंकाल यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। अलग ही लेवल की क्रिएटिवनेस है यार। इतनी क्रिएटिवनेस आती कहाँ से इन लोगों के पास यार। सही में यार पता नहीं क्या क्या ही बनाते हैं। वो ऊपर देखो लाइट देख रहे हो तुम भूत वाले। बस 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 She wants to try. बड़ों को बच्चा बनने में ज्यादा देर नहीं लगती है तान्या। क्या कह रही है? हमने किया तो वो नीचे बच्ची खड़ी हुई थी उसको भी लगा मैं भी करूँगी। वही तो कह रहा हूँ बड़ों को बच्चा बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, तो इससे पहले हमारा मन करे कि हमें कुछ खरीदना है हम भाई साहब बहुत टेम्पटिंग है ये वाली शॉप यार। मतलब सामान इतना अच्छा अच्छा मिल रहा है और इतना देख हाँ यूनिक है और देख के लग रहा है कि यार इसको तो हम घर में ऐसे सजा सकते हैं अगर इसका प्राइस थोड़ा सा कम होता ना जैसे कि $30 का हमें एक क्रिसमस ट्री मिल रहा था। क्रिसमस ट्री बहुत अच्छा लगा था वो। हाँ, तो वो $30 का था। हाँ, अगर वो 20 का होता तो शायद हम ले लेते। और जी आप घुस चुके हैं हम नट क्रैकर म्यूजियम पे। तो जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है नया नया घर जब बनाते हैं तो बाहर घोड़े की नाल वगैरह लगा देते हैं या फिर कुछ मूर्ति वगैरह लगाते हैं ना जिससे वो नजर वजह से बचे रहे। हाँ, तो इसमें क्या लगा रखा था? तो ऐसे ही नट क्रैकर क्या होते हैं जर्मनी में लोग अपने घर में रखते हैं। हाँ, ताकि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। हाँ, तो यही तो बड़ी पढ़ के आए हो। अपन ब्लॉगर्स हैं पता रखना पड़ता है। तो ये है ये नट क्रैकर का सिग्निफिकेंस मतलब घर में रखने का इसीलिए रखते हैं लोग इसे। अब इसके अलावा कुछ और होगा तो वो मुझे नहीं पता। जितना मैंने पढ़ा था वो बता दिया। बाय द वे देखो तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के नट क्रैकर मिलेंगे। तो ये है तो इसमें होता है कि दाढ़ी खींचोगे तो ये देखो। और जी सब कुछ कर करा के हम पहुंच चुके हैं वापस अपनी गाड़ी के पास। तो अब यहाँ से डायरेक्टली निकला जाएगा घर की तरफ। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहीं पे ना पीछे टेस्ला के सुपर चार्जर्स थे तो वहाँ पे गाड़ी चार्ज पे लगा दिया। तो 10-15 मिनट चार्ज करेंगे एंड देन फिर डायरेक्टली निकलेंगे घर की तरफ विदाउट एनी ब्रेक्स। और 10-15 मिनट अब क्या किया जाएगा क्योंकि गाड़ी में बैठ के तो बोर हो जाएंगे। तो सामने ही थी ये कुछ फूड मार्केट, सोच रहे हैं इसको विजिट कर लेते हैं। प्लीज गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।